वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका जायसवाल ब्लॉग्स। मामा गुड मॉर्निंग करिए। हेलो हेलो नहीं गुड मॉर्निंग। ठीक से गाइस, आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है। आज कल मैं आई थेरेपी करवा के बाइक से, मुझे ठंड लग गई। अभी तक मैं वैसे ही हूँ, ना मैंने नहाया है ना कुछ किया है, बस ब्रश किया है, चाय पिया है और बज रहा है दोपहर के एक। और देखिए मैं ब्लोवर चला के बैठी हूँ, सेक रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ठंड है गाइस आज। तुम क्या बोल रहे हो? टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो गाइस आज मैंने एक सामान मंगाया है, आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि वो क्या है। आइए आप मेरे साथ बने रहिए। सो ये मैंने मंगाया है कुछ, आइए आपको दिखाती हूँ क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हाँ पापा, हाँ। क्या बोल रही हो? ये अभी ये खुलना है। सब देख सकते हो मैंने क्या मंगाया है। नहीं ये है स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर मैंने मंगाया है अपनी रिकॉर्डिंग के लिए। आप देख सकते हो मम्मी बेटा वो क्या गैस चम्मच दीजिए। थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा सा टेढ़ा ऊपर, बस। सो गाइस पहले आप देखिए फिर मैं देखूंगी। हाँ क्या गिर गया, वाव टू पीस है, सो ब्यूटीफुल गाइस। ये क्या है? ये मेरी है मम्मा। ये टैप्सी के लिए दिया है, ये जिसका टैप्सी वाला चार्जर है ये उसके लिए है मोटा पिन। और ये देखिए ये छोटा वाला पिन दिया है, जिसका पतला वाला जो चार्ज होता है चार्जर उसके लिए ये है। बेटा मत छूइए, मुझे दिखाने दीजिए, पहले मुझे भी देख लेने दीजिए। और ये हमारा माइक है, ये आप देख सकते हो ये हमारा माइक है जो कि हमें इसे यहाँ होल्ड करना है। बेटा रुकिए बेटा, मम्मी नीचे से जाएगा नीचे से। सो आप देख सकते हो ये है इसका स्टैंड, ये ऐसे यहाँ से लगेगा और इसे हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ इसको ऐसे करो, थोड़ा सा ऐसे करो, ये फिंगर अपना हटाओ बेटा, तुम तो पकड़े हो कि क्या किए हो, फिंगर हटाओ, ऐसे पकड़ो, हाँ ऐसे पकड़े हो। लाइक है अम्मा अम्मा, ये यहाँ लगेगा, ये हमारे फोन में लगेगा, इसमें लगेगा, उसी में लगेगा। मालूम है जिसका ये छोटा वाला चार्जर होता है ना, ये टैप्सी वाला है जो मेरे फोन में लग जाएगा, और ये जो जिसका छोटा चार्जर होता है तो ये पहले इसमें अटैच हो जाएगा। कैसे लगेगा? वैसे ही लगेगा ही। रुको रुको मैं देख रही हूँ ना, टूट जाएगा तो फिर दिक्कत, ऐसे रहेगा तो ये इसमें लग जाएगा, ऐसे अटैच होके ये लग जाएगा आपके फ़ोन के जहाँ चार्ज होता है वहाँ चार्ज में लगेगा। तो आप जो भी बात करिएगा बिना किसी बैकग्राउंड म्यूज़िक के, ऐसे रखो बिना किसी बैकग्राउंड म्यूज़िक के, वॉइस के आए आपका वॉइस आवाज़ सीधा डायरेक्ट आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, अगल बगल का कोई भी आवाज़ नहीं आएगा। चलिए मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ कैसा आवाज़ है, आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोग ही सुनिएगा तो कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसा लग है ये, इसका वॉइस रिकॉर्डिंग कैसा है। ओके तो गाइज मैंने देखिए माइक ये लगाया हुआ है, वॉइस आप बताइएगा वॉइस कैसा आ रहा है, मेरा आवाज़ कैसा आ रहा है। सो गाइज देख लीजिए मैंने ये लगाया हुआ है, और मैंने भी ये पहली बार मंगाया है तो थोड़ा ट्राई करूंगी कैसा है इसका आवाज़, नहीं है तो फिर उस हिसाब से मैं फिर आपको इसके रिव्यू दूंगी कि ये कैसा है, आप भी मंगा सकते हो। ओके गाइस, और कहाँ से मैं ये मंगाया है मैंने ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मैंने ये कहाँ से मंगाया है। ओके गाइस आप देख सकते हो। सो गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है, चल रही हूँ मैं भी, नहाऊंगी नहीं आज गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है, आज नहाना नहीं, आज नहाना कैंसिल, सिर्फ कपड़ा चेंज करूँगी हाथ में होकर,
चल रही हूँ, हाथ मुंह धोकर कपड़ा चेंज करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैं आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मैंने चेंज कर लिया है, आके धूप में बैठी हूँ, काफी अच्छा लग रहा है, धूप भी है और हवा भी चल रहा है। चल रहा है बाबू, निकालिए, दीजिए निकालिए दवा। मैं अपना दवा खाना भूल गई थी, दोपहर का भी दवा खाना है। लाओ निकाल कर लाओ, दवा दो मुझे, पहले एक देना, कौन सा देना मैं बता रही हूँ, आओ इधर आओ, कौन सा देना, पहले ये निकाल कर दो, गिराइए मत, गिराइए मत, पहले ये निकाल कर दो, दीजिए बेटा, देखिए गिर गया मेरा दवा, वो पीछे गया, वो पीछे गया, उठा के दो मुझे, दो लेना पहले, पहले दो जल्दी से, दवा धोएंगे ये पिघल जाएगा कि नहीं। तीनों खाइयो, ये दोनों खोलो, अब गिराना मत बेटा, खोल के दो। हाय कर दो, हाय, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इवनिंग नहीं है, शाम नहीं हुआ है, एक और है। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो, क्या करने? पतंग उड़ाने। अब जाओ, वो सूजी वगैरह लेते आओ, चीला बना दूंगी सूजी का। पापा ने तो खाना खा लिया, पापा खाएंगे नहीं, हम ही लोग को खाना है, चीला बना दूंगी, खा लूंगी, जाओ। हवा भी चल रहा है काफी, इसीलिए मैं टोपी लगा कर बैठी हुई हूँ। मैं देखिए, मैंने चीला बना लिया सूजी का, इस साइड वाली मेरी बेटी का है और एक साइड का मेरा, ये बिना मिर्ची वाली है मेरी बेटी का है और ये मेरा है। सो मैं जा रही हूँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है, 3:30 बज रहा है। हाँ बेटा, ये हम खिला रहे हैं आपको, आप मत खाओ कुछ से, हम खिला रहे हैं। सो चलती हूँ, मेरी खाती है, बहुत जोरों की भूख लगी है। तो गाइस आप देख सकते हो ठंड बहुत ज़्यादा है, मैंने दो दो स्वेटर पहन रखा है और देखिए मैं आग ताप रही हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग लकड़ी को इकट्ठा कर रहे हैं, लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाने में मदद। नहीं, देखिए ये लाडो है, हमारे बगल में रहती है, लाडो हाय कर दो। हाय, ये मेरा बेटा है, उससे लग रहा है, देखिए 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 उसे सर। मौए, मौए। दोनों लोग बहुत बदमाशी करते हैं, बहुत ठंड बहुत है गाइस, ठंड बहुत है। मुझे देखिए लग रहा है मैं कोई कश्मीर में आई हुई हूँ, इतना सारा पहन के बैठी हूँ आपकी आँख के सामने। बाबू कहाँ गई थी? उधर कहाँ खेलने गई थी? ठंडी लग रही है बहुत ज्यादा, ठंडी। हाँ दो, मैं रख लू, यहाँ रख दो वरना गिर जाएगा। क्या दे, मोबाइल हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, देखो 10-11 बजे हम लोग भेजते हैं। क्या चीज़? यही जो आप बनाती हैं, 11:30 बजे हम भेजते ही हैं। नहीं, ये मेरी ब्लॉग देखती है, बोलिए मैं आपका ब्लॉग 10 बजे रात को देखती हूँ, 10:30 बजे। हाँ मैं 10:30-11 बजे डालती हूँ। क्या दूँ मैं, क्या दूँ बताओ? ये गाइस हमारे गली है, सामने बैग का दुकान है, वो गाँव में बैग सिलाई होती है। फेंको मत, ऐसे लग जाएगा, मत फेंको, इसके तो मुंह में सच्चे बहुत ज्यादा ठंड है गाइस। आंटी देख क्या कर रहे हैं, रख दो बेटा, ऐसे नहीं करो लग जाएगी तुम्हें, मत आग से मत करो बदमाशी, इस साइड रखो, इस साइड रखो, मत करो बेटा, मोए मोए हो गया, मोए 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 मोए, गाना लगा देना, मोए मोए वाला आता है, बहुत ज्यादा ठंड है। ना क्या करूं मैं, दो दो। मैं जा रही हूँ तड़का बनाने, पंजाबी तड़का, जिसके लिए मैंने प्याज काट लिया और तड़का वाले दाल को जो खड़ा मूंग होता है, खड़े मूंग की मैं बनाती हूँ, खड़ा मूंग मैंने बॉईल करने को बैठा दिया है, आके प्याज लग रहा है गाइस, प्याज इसमें तो ज़्यादा लगता है, इस दाल बॉईल हो जाएगा तो प्याज का तड़का देखिए मैं फ्राई करूँगी मसाले वाली,
बना रही हूँ मैं। चलिए मैं बना कर आपको दिखाती हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनता है। देखिए तेल मेरा सरसों तेल है, गरम हो गया है। अब तेल में प्याज डाल दूँगी, हमारा तेल गरम हो चुका है तो मैं प्याज को हल्का सुनहरा कलर कर लूँगी, हल्का ब्राउन होने दूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो गाइस देखिए हमारा प्याज धीरे धीरे कलर चेंज कर रहा है, मतलब छोड़ नहीं रहा है, कलर चेंज करना स्टार्ट कर रहा है। और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा इसका तो फिर मैं इसमें एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। और ये मैंने छोटे छोटे साइज के चार टमाटर लिए हैं क्योंकि ये टमाटर मैं काट कर इसमें डालूँगी। मसाले में मैं ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डालूँगी, जो मैंने गरम मसाला घर में रखा है वो सिर्फ गरम मसाला थोड़ा सा डालूँगी एक चम्मच। ज़्यादा मसाला इसमें नहीं पड़ते हैं, बस जिंजर गार्लिक का पेस्ट, प्याज, एक प्याज, अदरक, लहसुन देके दाल को बॉईल किया जाता है और उसमें हल्का सा बस ये पड़ता है। सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, शायद आप लोग का तरीका अलग हो बनाने का, मेरा तरीका तो यही है। तो गाइस हमारे प्याज का कलर देखिए ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं, मैं आपको सामने भी दिखा देती हूँ। अब हम इसमें ऐड करते हैं एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा इसे भून लूँगी, उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। तो गाइस हमारे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने इसमें डाला था वो मैंने भून लिया है। अब मैं जो आपको दिखाया था मैंने चार टमाटर लिया छोटे छोटे, वो टमाटर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब धीमी आँच में मैं टमाटर को गलवाऊँगी अच्छे से, उसके बाद मसाले ऐड करूँगी। आज को मैंने धीमा किया हुआ है। अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी क्योंकि मैं टमाटर जब भी डालती हूँ टमाटर के साथ साथ नमक डाल देती हूँ, क्योंकि नमक डालने से टमाटर जल्दी गलता है। तो गाइस मैं नमक डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से, दाल में ही मैंने नमक डाला हुआ है तो नमक डाल दिया है। तो जब तक मेरा टमाटर अच्छे से नहीं गलता है मैं इसे भूनती रहूँगी। आज मैं धीमी आँच में गलूँगी, टमाटर अच्छे से गल जाएगा उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो मेरा टमाटर गल गया अच्छे से, अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये मेरा मसाला है, ये मसाला है मेरा, ये मसाले डालूँगी सारे मसाले, गरम मसाले इसमें। इसमें मैं एक चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा और डाल देती हूँ, थोड़ा सा और। दो मला कर रहे ना, लाल मिर्च पाउडर डालूंगी अब मैं। गाइस मेरा लाल मिर्च पाउडर ख़त्म हो गया था तो मैं ये दो खड़े हरे मिर्चें डाल दे रही हूँ, वो मसाले के साथ ही भून जाएंगे, फिर मसाले से तले भूनूंगी तो ये गल जाएंगे। अब मैं ये मसाला जो है मेरा इसे मैं आधा डालूंगी, आधा डालूंगी जब मैं तड़का वाली दाल डालूंगी इसमें, उसके बाद बस अब मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। मैं दिखा लूँ भून के मैं इसमें दाल डाल दूँगी। तो देखिए मैंने इसमें दाल ऐड कर दिया है, मिर्ची मेरी लाल मिर्च ख़त्म हो गई थी तो मैंने ये हरा मिर्च डाला है, तीखा तो ये सूखा इतना नहीं जाएगा, इसमें पानी ऐड करूँगी थोड़ा। तो गाइस मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है अपने हिसाब से, अब ये खौलेगा और पानी इसमें अब्जॉर्ब होगा। तो वो जो मैंने गरम मसाला बचा कर रखा था इसे मैं इसमें डाल दूँगी ऊपर से। अब ये खौलेगा तो धीमे आँच में मैं इसे थोड़ी देर और छोड़ दूँगी। तो
तो मैं फाइनल इसका रिजल्ट दिखाती हूँ पूरे तैयार होने के पकने के बाद। सो गाइस मेरा तड़का कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो। सो मैंने आपको सारा दिखाया, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आपको भी ऐसे बनाइए। तो आपने देखा मैंने आपको दिखाया कि पंजाबी तड़का कैसा बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो बना के खा के टेस्ट कर लीजिए कैसा है बना है मेरा पंजाबी तड़का। सो आज ब्लॉग को आज मैं यही एंड करती हूँ, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट। तो जाते जाते इतना ही कहूँगी कि मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।